शेर चीता तो होगा नहीं यहाँ पे है? अच्छा ठीक है भाई। तो ये अभी तक जितने भी मैंने जर्नी किया लगभग 1 से 1.5 महीने हो गया है मुझे करते करते इस वनवास को, लेकिन अब जो है ना अब मेरे लिए जंगल का रास्ता होगा। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है और लगभग लगभग 35 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक गांव भी नहीं देखने को मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो अब राम जाने अब ये कैसे करवाएंगे, वो करवाने वाला वो है देने वाला वही है, हम तो बस एक मतलब जरिया है। ओ यार अब देखते हैं कि ये दूरी मैं कैसे तय करूँगा। अभी जो 12 बजा हुआ है और देखते हैं लगभग लगभग मैं चलूँगा कितना 10 से 13 किलोमीटर चल पाऊँगा शाम को 5:30-6 बजे तक। यहाँ से मुझे कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा क्योंकि बीच में जंगल है, चारों तरफ बस पहाड़ पहाड़ है और कुछ भी नहीं, गाड़ियाँ दिखेंगी आते जाते बस। और चढ़ाई यार मेन तो चढ़ाई है यहाँ पे। तो अभी मैं जहाँ पर चाय पी रहा था ना तो वो मुझे दिए 500 रुपये दिए, अरे वहाँ पर कोई बंदा था तो वो मुझे 500 रुपये दिए कि जा तुम्हारे सफ़र के लिए हेल्प रहेगा। तो यार मैं कहता हूँ कि यार ये सफ़र मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, अगर इतने लोगों का सहयोग ना होता ना तो ये सफ़र मैं कभी ज़िंदगी में ना कर पाता, राम की कृपा थी यार। ओह यार तो मेरे पास 1 बॉटल है, 2 लेज़ का पैकेट लिया हूँ, 1 बिस्किट का पैकेट लिया हूँ मैं और कम से कम 4-5 समोसे खा लिए मैंने, बस मेरा पेट ना खराब हो वरना तंग हो जाऊँगा यहाँ पर। तो ऐसे लखनऊ का रहने वाला हूँ, वनवास है मेरा राम जी का, जहाँ जहाँ राम जी गुजरे थे वहाँ वहाँ से जा रहा हूँ। तो आप लोग लकड़ी काटें तो इसी जंगल में, तो बीच रास्ते में कुछ मिलता है रुकने उकने के लिए कि नहीं मिलता है? क्या बताऊँ रास्ते में मतलब कितना किलोमीटर तक आप जा रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है चलिए चलते हैं। कहाँ कहाँ पुलिस चौकी? अच्छा कितने दूर पर है पुलिस चौकी यहाँ पे? चार किलोमीटर में क्या होगा, मैं लगभग 5-6 बजे तक तो चलूंगा ही चलूंगा। कहाँ पे? कड़ियल। वहाँ पे रुकने के लिए मिल जाएगा मुझे? कितना किलोमीटर लगभग है? ओ अच्छा आप लोग यार जंगल में जाते डर नहीं लगता आप लोगों को? कोई खतरनाक जानवर भी दिखा कभी? शेर चीता तो होगा नहीं यहाँ पे है? अच्छा देखते हैं अब राम के भरोसे। एक डंडा मिल जाता ना थोड़ा मजबूत होता तो सहारा भी होता और हिम्मत भी थोड़ी। मेरी लकड़ी काट रहे हैं मजबूत वाला, काटे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिल गया एक डंडा मजबूत सा, इन्होंने काट के मुझे दिया। आ ले 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 आ आ आ आ आ आ ले आजा 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 ले आ आ ले 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 आराम से भाई आराम से। तो ये बिल्कुल रास्ता जाता है मेरा वो सीधा और वो जंगल है, बहुत घुमावदार है। मुझे पूरी जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने ऐसे रास्तों को भी क्रॉस किया है अपने लाइफ में। तो अभी बजा है 2 और लगभग 12:15 में चलना स्टार्ट किया था और पता नहीं मुझे कि कितना किलोमीटर में चल चुका हूँ क्योंकि नेटवर्क आ नहीं रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं कितना चला हूँ किलोमीटर। ओह यार थोड़ा डर तो लग रहा है इस जंगल में,
पर हिम्मत तो करना ही पड़ेगा मुझे, जब ये पंगा लिया हूँ तो भाई करना तो पड़ेगा ही। कि थोड़ा गाड़ी उड़ी आ रहा था, थोड़ा सा हिम्मत बंधा हुआ है इस जंगल में, वरना अगर ये बाई चांस ये सुनसान रास्ता रहता तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। क्या तुम लोग घर जा रही हो यहाँ पर? तुम लोग घर जा रहे हो क्या? ओह, देख रहे पीछे कितना घना जंगल है। ये है कि थोड़ा सा कड़ा धूप है यहाँ पे, तो दूर दूर तक जो है रोशनी जा पा रही है जंगल के बीच में, वरना जैसे ही अभी शाम होगा वैसे ही मेरा दिल जो धड़कना चालू कर देगा बहुत तेजी से, अगर कोई मुझे मंजिल या रुकने की कोई जगह नहीं मिली तो। यहाँ तो बहुत सारी गाय है यार, क्या गौशाला वशाला है क्या? नहीं, गौशाला नहीं है। ये यहाँ पर चराने वराने आए थे यहाँ के लोग। चलो बहुत देर बाद कुछ लोग मुझे पैदल चलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कहीं है तो पुलिस चौकी नहीं है। अब वनवास है। वनवास? हाँ। कितने वर्ष का? अयोध्या से। अयोध्या से? हाँ। इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहा हूँ मैं सरभंगा ऋषि के आश्रम जाना। सरभंग ऋषि आश्रम जा? हाँ। अच्छा, तो कब से चले हैं अयोध्या से? 31 दिन हो गया। क्या नाम है आपका? रोहित जी। ये मतलब कि ये जो मठ है यहाँ पर, ये बहुत पुराना है क्या? ये प्राचीन गौ मठ है। अच्छा, देश का पहला ऐसा गौ मठ है जो आपको चित्रकूट की धरती पर ही आपको मिलेगा। हालत पस्ती हो गया भाई मेरा, पर कोई नहीं, मजा भी आ रहा है, अलग अलग चीज देखने को मुझे मिल रही है। अब कुछ खाता हूँ यहाँ पे, भैया ने बहुत प्यार से मुझे दिया था खाने के लिए यार। तो बचपन की बात है, एक टीचर मेरे थे जब मैं फर्स्ट क्लास में था, तो उस वक्त वो एक ही गाना गाया करते थे, हर फंक्शन में एक ही गाना, हर फंक्शन में एक ही गाना, ये वाला, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और ये वो इतना बेहतरीन गाते, मैं तो कुछ भी नहीं गा रहा, बहुत बेहतरीन गाते थे, उनको आदत लग गई थी ये गाना गाने की। चलो, तो उस गाने की बात, मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो उस गाने का मतलब समझ पाया, क्योंकि पहले के जो गाने थे ना वो एक सेंस के साथ होता था, मतलब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, पर आज के लिए गाने ये वाले रहते हैं। तो अगर आपके कोई ऐसे टीचर है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और शायद अगली वीडियो में आपकी बातों को मैं शेयर भी करूँगा। वो यार देर बाद एक ढाबा दिखा यार, आपको ही गाँव आया है नज़र, कुछ खाता हूँ पहले, सबसे पहले भूख बहुत तेज लग रही है यार। अभी केवल 6:15 बजा है लेकिन लगता है कि कितना ज़्यादा रात हो गया है। अभी पिंडरा यहाँ से पास है जहाँ पर रुकने की जगह मिल जाएगी और वहीं पर रुकना ही पड़ेगा मुझे यार, क्योंकि उससे आगे मैं नहीं जा सकता, उससे आगे फिर से थोड़ा सा जंगल पड़ेगा। अभी तो थोड़ा खेत दिख रहा है और गाँव वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ कोई मंदिर तो है यार, मंदिर में साथ रुकने के लिए मिल जाए।